हेलो। हाँ सविता भाभी, कैसी हैं आप? क्या आप हमारे घर आ रही हैं? पर हम लोग तो मनाली आए हुए हैं। फोन लैंडलाइन पे किया है। हाँ पर लैंडलाइन भी साथ लेके आए हम। हाँ वो लैंडलाइन साथ ही लाए। क्या है, बचपन से लगा हुआ ना घर में, तो केला थोड़ी ना छोड़ के जाते उसको। हाँ ठीक है, हाँ अगले हफ्ते बताएंगे आपको वहीं से। ओके ओके। छा गया गुरु, छा गया। लोग कहते हैं कि जो मेहमान होता है वो भगवान का रूप होता है। हाँ। ये गिटार वाला प्रद्युम्न है ना, ये 6 दिन मेरे घर पे मेहमान बन के रुका, ये कहां से भगवान लगता है आपको? घटोटकच लगता है, घटोटकच। मेहमान, डकार और छींक, इनको जितना मर्जी रोक लो, आ ही जाते हैं किसी ना किसी बात। जबरदस्ती। अब मेरे एक दोस्त की नई नई शादी हुई, उसकी हाँ। सुहाग रात वाले दिन ही एक मौसा मुसड़ू बन के घुस गया घर में। कबाब में हड्डी। हाँ, अब एक कमरे का फ्लैट, अब कहां मौसा सोए, कहां दुल्हन जागे। और बात ये नहीं कि मेहमान आज के जमाने में आते हैं। मेरे पिताजी बताते हैं कि मेहमान पहले बड़े आते थे। मेरे पिताजी बताते हैं कि उनके फूफा जी इतना आते थे हमारे घर, इतना आते थे कि उनके फूफा के चक्कर में मैं 2 साल लेट हुआ। डिले हो गया, डिले। और कुछ मेहमान तो इतने ढीठ होते ना बाजी, कई बार किसी मरीज का पता लेने जाते ना, खुद कुछ नहीं लेके आएंगे घर से, उल्टा मरीज के चीकू खा जाते हैं। बढ़िया पांडे जी। यहाँ पे कोई ऐसा मेरा दोस्त है जो मेहमानों को भगाने के टिप्स बता सके हमें? जी मैडम। अरे वाह वाह। जी मैडम। मेहमान आते तो बहुत इरिटेट होता है घर में, अपना सब काम बिजी हो जाता है उनके पीछे, फिर हम लोग उनको अवॉइड करते हैं। अगर मेहमान नहीं समझते तो बाथरूम में जाते हैं तो नल बंद कर देंगे। तो मतलब आपको मेहमान पसंद नहीं है तो बाथरूम में जाए तो नल बंद कर दो। तो जैसे अभी आपको भेजना हो तो कौन सा नल बंद कर रहे हो? चलिए खैर, शुक्रिया, ये बड़ा अच्छा है, आपने टिप्स दिए कि नल बंद कर देना चाहिए। शुक्रिया, बैठ जाइए जी। नाक बंद कर दो। तो जी आप क्या कहना चाहती हैं? सॉरी टू से सर, पर मैं ये चीज बोलूंगी, आप कभी किसी घर मेहमान बन के नहीं जाते? मैं अक्सर ही जाता हूँ मेहमान बन के, अक्सर ही आता हूँ। और जिसने बुराई की है वो भी नहीं जाते, पूछना जा रहा उनसे। बिल्कुल सही बात कही आपने, तो आप बुरा मान रही? बहुत गलत चीज है ये। अगर आप सोचो ये चीज जो इन्होंने बोली है, या ये सोचे इनके ऊपर ये चीज आए, अगर कोई इनके साथ करे या कोई आपके साथ ऐसा करे तो? मेरे साथ बिल्कुल कर सकते हैं आदमी, लेकिन अगर आप किसी के यहाँ मेहमान बन के आए तो ये मेरी गारंटी कोई इरिटेट नहीं होगा। आप आए तो सही, आप आइए तो सही, हम सारे नल खोल देंगे आप। और मैं तो कहता हूं 2-3 महीने की छुट्टी लेकर आइए। आपने अच्छी बात बोली कि मेहमानों से इतना चिढ़ना नहीं चाहिए, बिकॉज हम लोग भी कभी ना कभी किसी के घर पे मेहमान बन के जाते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ भाई साहब आपसे। जी जी, आपको अगर अपने घर में 3 मेहमान बुलाने का मौका मिले, शकीरा, माधुरी दीक्षित या चंकी पांडे, तो किसको इनवाइट करना चाहेंगे आप? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित को बुलाना चाहेंगे, तो डॉक्टर नेने को भी बुला लें साथ में। उन्हें को भूल गए। नहीं, माधुरी दीक्षित को देख के जो आपको बुखार आएगा, तो इंजेक्शन ठोकने वाला भी तो कोई ना कोई चाहिए ना। माधुरी दीक्षित को बुलाएंगे। भाभी जी आई साथ में है? उनको पता चलेगा कि आप माधुरी को बुलाने की सोच रहे, तो फिर कुछ भी हो सकता है। फिर कुछ भी हो सकता है। यंकी, यंकी, छा गया गुरु आज तो। शर्मा कम प्लीज। अंग्रेजी। मुझे छुट्टी चाहिए यार। छुट्टी उनको दी जाती जो लोग कुछ काम करते। तू काम क्या करता बे? मतलब मैं काम नहीं करता। मैं तो
कौन सा काम करता है, इतना बदतमीज है। कल मैंने इसको बोला कि मेरे सारे कपड़े जितने भी गंदे जाके धो दे, इतना बेवकूफ आदमी है, मेरा पजामा खींच के ले गया ये। शुक्र करो आपको नौकर श्री मिला है, अच्छा वरना पजामे से ज्यादा गंदा कच्छा था। अगर आपने मुझे छुट्टी नहीं देनी तो ठीक है, मेरी तनख्वाह दो और निकाल दो। तनख्वाह? Yes. कितनी कितनी छुट्टी चाहिए तेरे को बोल। लाइन पे। दो घंटे की, मैं लड़की देखने जा रहा हूं। तो तू शादी करने जा रहा है? नहीं शादी नहीं, वो गर्ल्स कॉलेज के सामने खड़ा होकर देखूंगा। ताड़ने जा रहा। बाजी हम तो गरीब आदमी, हमें लड़की किसने देनी है? हमें तो कोई रास्ता नहीं देता, लड़की कौन देगा? प्लीज मुझे छुट्टी चाहिए। दफा हो जाए से फालतू के कामों के लिए, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी तुम्हें। ठीक है आप मुझे छुट्टी ना दो, मैं बुआ से छुट्टी मांग लूंगा, उसकी तरफ से तो मुझे खुली छुट्टी है। मालिक देना छुट्टी, दो घंटे में आ जाऊंगा और 10 रुपए भी दे। 10 रुपए? इतने पैसों का क्या करेगा बे? इतने पैसों का क्या करूंगा? सिद्धू पैसे 2 रुपए का बंगलो लूंगा, 2 रुपए का उसमें फर्नीचर डालूंगा, 2 रुपए से बिजनेस स्टार्ट करूंगा, 4 रुपए बैंक में जमा करवाऊंगा ताकि मेरे बच्चों के फ्यूचर में काम आए। वाह कमाल कर दिया यार। क्या सोच है? 10 रुपए चाहिए, बस का किराया चाहिए मुझे। तू बस में जाएगा? हाँ। हमारा पैदल कहाँ गया? क्या दफा आ जा पैदल निकल। मैं अभी मार्केट है कितनी दूर पे, ये वॉकिंग डिस्टेंस है 25 किलोमीटर, मैं भी जाके आता हूँ पैदल। 2 किलो कम हो जाएगा। देखिए मालिक आपकी बात तो अलग है, मैं 25 किलोमीटर पैदल नहीं जा सकता, 2 पैरों पे कैसे जाऊं मैं? मेरी बात अलग है। हाँ? तेरे 2 पैर, मैं साले केकड़ा हूं। मैं जाना है तो जा, पैदल जाने तो कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, दफा जा यहां से। भगवान किस घर में फंस गया हूं मैं। सिद्धू भाजी मैं और मेरे दोस्त ने ना इकट्ठे नौकर का कोर्स किया था। हाँ। आज वो करोड़पति है सिर्फ अपने मालिक की वजह से। हाँ। मालिक की वजह से कैसे? उसने अपने मालिक को मार कर ना सारी जायदाद हथिया ली थी। सही चल रहा है। मेरी किस्मत खराब, मैं ये भी नहीं कर सकता। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? मतलब क्या? जायदाद के नाम पर आपके पास है क्या? एक बाथरूम में कुंडी तक तो है नहीं है। यकीन करें कमोड के ऊपर बैठ कर ना दरवाजे को पैर से ऐसे रखना पड़ता है। क्या हुआ, क्यों चला क्यों रही है? अरे मुझे एक बात बताओ, घर पे खाने पीने का सारा सामान है ना, जैसे दाल चावल वगैरह 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 सब दादी वगैरह वगैरह है, बाकी कुछ नहीं है। और तुम क्यों चिल्ला रही हो दादी? अरे मैं क्यों, मैं अपने लिए थोड़ी ना कह रही हूँ, ये देख चिट्ठी आई है, मेरे दूर के सगे भाई की चिट्ठी, वो आ रहा है। दूर का कौन सा सगा भाई होता बिट्टू? हम दोनों के बीच में 8 भाई बहन है ना, तो दूर का सगा भाई हुआ ना, उसकी चिट्ठी। ये दे दे चिट्ठी चिट्ठी चिट्ठी। हाँ भाई ये कौन से जमाने का भाई है जो अभी भी चिट्ठियां लिख रहा है, टेलीफोन नहीं उसके पास? नहीं नहीं उसने फोन किया था पर लगा नहीं, कस्टमर केयर वाले ने कह दिया इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, सॉरी कॉल लेटर, तो उसने लेटर लिख दिया। काफी देर से होल्ड पे था, खोल के देख। हाँ, खोलता हूं। प्रिय बहन चंद्रकला, मैं जिंदा हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी अभी तक जिंदा होगी। यहाँ कुशल मंगल दोनों मर गए हैं। नए बैल की जोड़ी लेने की सोच रहा हूँ। अच्छा किया। मुझे ये बताते हुए बहुत खांसी हो रही है, सॉरी खुशी हो रही है कि मैं तुमसे मिलने शहर आ रहा हूँ। जैसी हमारे देश की डाक व्यवस्था है, हो सकता है ये चिट्ठी मैं खुद ही आकर रिसीव करूं। राखी आ रही है इसलिए एक शेर लिख रहा हूं, अर्ज है 1 glass water 1 glass beer। वाह ओ माय डियर हैप्पी न्यू ईयर।
राखी पे कुछ सूझ नहीं रहा था इसलिए न्यू ईयर वाला लिख दिया। राखी वाला चाहिए तो सिद्धू जी से मांग लेना। बिल मेरे पे पड़ रहा है। उनके पास हर विवाह शादी के मौके पे शेर तैयार मिलते हैं। मेरे आने तक जिंदा रहना तुम्हारा दूर का सगा भाई चंद्रभान। ये क्या हो रहा दादी, क्या हो कह रहा है ये? हम लोग तेरे जाने का इंतजार कर रहे, तू भाई बुला रही यहाँ पे? वो हमारी तरह कोई गरीब आदमी नहीं है, बहुत ही अमीर आदमी है। हाँ, इतनी दौलत है उसके पास, इतनी दौलत है उसके पास, कहाँ ले जाएगा? संतान तो है ही नहीं। ऐसे नहीं बोलते, संतान क्यों नहीं है? हम लोग मर गए। हम लोग क्या उसकी औलाद नहीं है? इन्वेस्टमेंट। घंटी बजा क्या? हाँ? लगता है आ गया, मेरा भाई आ गया। चंद्रभान, आज उस चक्कर में मैं बहुत पीऊंगी। ध्यान से मैं उठाता हूँ, मैं उठाता हूँ। क्या हुआ, क्या हो गया है? अरे बहुत देर से हम घंटी बजा रहे थे ना बहन, तो हमारा दम निकल गया। तुम बताओ तुम कैसी हो? अब हमारे तो गांव में कोई था नहीं, तो सोचा अपनी बहन के पास आ जाए। बस बहन तुम बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अरे आरती की ताली लाओ, ऐसे अंदर आने नहीं दूंगी तुम्हें। ये ले दादी, हे पाए लागू दादा के साले। घर का नौकर है? हाँ हाँ हाँ, नौकर। ये पोता है मेरा, बिट्टू। अरे बिट्टू, अरे चले ले ले ले, राम शरण का बेटा। अरे 20 साल पहले देखा तो इतना सा था, क्या बताऊँ, 20 साल में ही इतना बड़ा हो गया ये। अरे वाह, देखो कुछ टाइम पहले मैं भी इतना था, 50 साल में अचानक बुड्ढा हो गया देखो। है नहीं चलता सच में। नहीं, अभी आप कहाँ बुड्ढे हुए हैं? अभी तो आपकी कार्ड छपने हैं, अंतिम रस्म क्रिया चौथा, मतलब बहुत सारी रस्में। आपकी शादी कराएंगे ना शहर में हम लोग? अरे बेटा अब हमारी उम्र वो कहाँ है, अब तो हम बांसुरी बजाते हैं तो धोती खराब होने का खतरा रहता है। ये कौन है? ये मेरी बेटी है, पिंकी। नमस्ते जी, पाए लागू। बेटियां कब बुड्ढी हो जाती है पता ही नहीं चलता। शादी हो गई बेटा तुम्हारी? नहीं जी, अभी नहीं हुई। अरे लड़का था मेरी नजर में। कौन कौन बताओ, चंद्रभान बताओ। उसके बाद मेरी नजर कमजोर हो गई है, पता नहीं कहाँ होगा। शादी तो हम बुआ की आज करवा दे। हाँ। लेकिन इसको कोई लड़का नहीं पसंद आता। अरे लड़का क्यों पसंद नहीं बेटा, लड़का कैसा चाहिए तुम्हें बताओ? जवान होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, अंग्रेजी में टॉल डार्क हैंडसम होना चाहिए, अमीर भी होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात उसकी मम्मी जी जिंदा नहीं होनी चाहिए। किल्ली में टंगी होनी चाहिए। इतनी डिमांड तो कटरीना कैफ करे ना बेटी, तो वो भी कुंवारी मर जाए। तुम तो उपासना सिंह हो, इस उम्र में अगर आलोकनाथ भी हाँ बोले ना तो बेटा बार बार से निकलने लेना, हम सोचेंगे विदाई हो गई तुम्हारी। मम्मी जी, मम्मी जी, he's joking, he's serious। अरे अरे अरे, क्या खड़े खड़े रिश्ते करोगे क्या? थके आ रहे आए हो, थोड़ा रिलैक्स कर लो। हाँ, रिलैक्स तो बनता है, रिलैक्स तो बनता है, रिलैक्स तो बनता है। तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? मेरे भाई के लिए खाने का बंदोबस्त कर। अभी कर। क्या पक्का है? रुक जा रुक जा, क्या पता जिस तरीके से खा रहा है डेथ ही ना हो जाए। क्या? मेरा मतलब आपको खांसी आ रही तो खांसी की दवाई। अरे मेरे पास और बड़ी दवाइयां। अच्छा, हर बीमारी की दवाइयां हैं मेरे पास, बीमारियां बहुत हैं। दो हार्ट अटैक आ चुके हैं देखो,
ये सारी बीमारी की दवाइयां, और ये जो है ये गंगा जल की गोली है। मतलब इनमें से कोई भी गोली असर ना करे तो ये गंगा जल की गोली है। मतलब आखिरी अटैक ये वाली कौन सी है? ये वाली याददाश्त की गोली है, ये मुझे याद दिलाती है कि कौन सी गोली कब खानी है। अरे मामा जी, ये दवाई वाई से कहाँ खांसी वांसी ठीक होती? मैं तो कहता हूँ एक छोटा छोटा रम का। नहीं नहीं बेटा, बाटली बॉय सोडा नहीं, नींद ले आ। कच्चा रूट उतर गया बुड्ढा, टल्ली होगा बाटली बॉय। क्या है? कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाकर खांसी की इलाज क्यों नहीं करवाता? अरे बहन, कच्चे घड़े जैसा दिल है हमारा। हमने सोच लिया है कि जो करेगा हमारी सेवा, सारी जायदाद उसी को हम दे दे, सारी जायदाद। ये बूढ़ों का दिल है, बस सेवा ही करवानी है अभी उम्र में, और क्या बचा है भाई। राघू ये कौन है? चंद्रमान, मेरे पोते की बीवी है ये। अरे तो चाइनीज है। हमने सुना था हिंदू चीनी भाई भाई, ये तो हस्बैंड वाइफ निकले। चंद्रमान देखो, कपिल कपिल की बातें हैं आईना, कपिल की बातें हैं आईना, बाकी क्या है हिंदुस्तान में? सिर्फ मेड इन चाइना। मैं तेरे लिए गर्म पानी कर लेती हूँ, थोड़ा नहा ले। अरे मुंह पेट से नहाऊंगा, सिर्फ पेट से थोड़े नहाऊंगा। अंकल जी, आप बहुत थक गए होंगे। हाँ बेटा, आपकी सेवा में क्या पेश करूँ, ठंडा या गर्म? चाय तैयार है, तैयार है, चाय तैयार है। मैं सेवादार हूँ, इस घर की सबकी सेवा मैं ही करता हूँ। ये आपकी सेवा के लिए मैं चाय बना कर रहा हूँ, गरम चाय, चाय पीजिए ना। चाय नीचे रख, चाय हट हट। क्यों? चाय राम लाएगी दम। अंकल आप, मैं पिछले 7 मिनट से देख रहा हूँ आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे। अब चाय से गैस होती है, आप पहले दवाई ले, इसके बाद खाना। आपकी सेवा है ना हम लोग, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। अच्छा लग रहा है बेटा। अब आराम से बैठिए, आपकी सेवा करने के लिए हम हैं ना। हाँ बेटा, ये बताइए आप खाने में क्या खाएंगे? गोभी बना लो बेटा। गोभी? बरसात का मौसम है, गोभी में से कीड़े निकलेंगे। कुछ और बैंगन बना लो। तो बैंगन में से कौन सा मोटरसाइकिल निकलेगा, उसमें से भी कीड़े निकलेंगे। कुछ और बताइए बेटा, जो तुम्हारी मर्जी वो बना। नहीं नहीं, मर्जी आपकी, आप हमारे घर के बुजुर्ग हैं, आपकी सेवा, आप बताइए। मुर्गा बना दो। मुर्गा? इस उम्र में आपको मुर्गा बनाएंगे हम? अच्छा थोड़ी लगता है। अरे वो वाले मुर्गे की बात नहीं कर रहे हैं हम वो खाने वाले। हाँ वो वाले मुर्गे की बात कर रहे हैं। वो वाला, वो मुर्गा तो आज मंगलवार है। हाँ तो मुर्गे को थोड़ी पता है मंगलवार है। मुर्गे को क्या पता मंगलवार? उसको झूठ बोल दो कि आज बुधवार है, बना दो। पर मैं भी मंगलवार को झूठ नहीं बोलता ना। अच्छा हाँ, तो आप कोई और सब्जी बताइए ना, आप क्या खाएंगे? आप सारी सब्जियां खत्म होगी, क्या बताएं हम? अपनी सेवा में ये स्टार्टर स्वीकार कीजिए। और बताइए, आपकी सेवा में मैं ऑयली फूड बनवा दूं? ऑयल वाला आप क्या, मैं स्कूटर तल के ले आऊं यहां? नहीं स्कूटर नहीं, हमारे पास लाइसेंस नहीं है। देखो देखो, हमें 2 हार्ट अटैक पहले आ चुके हैं, तीसरे पे घोड़ी चढ़ जाएंगे, बता दें। 2 हार्ट अटैक, तीसरे में छुट्टी। हमें सुनाई नहीं दिया, तुमने क्या कहा? ए तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो जाके खाना लेके आओ, चलो। मैं पता करता हूँ इसको हार्ट अटैक आया कैसे। जल्दी। अंकल। हाँ बेटा। आपको हार्ट अटैक आया कैसे था वैसे? बेटा तेल की वजह से।
तेल की वजह से तेल खाने में तेल था। क्या हुआ कि हम मोटरसाइकिल से तेल चुरा रहे थे बेटा। अच्छा उसका मालिक आ गया, उसको देख के हार्ट अटैक हो गया। मालिक तो बेहोश पड़ा था, हम आगे गए, आगे पुलिस वाले थे। अच्छा अच्छा पुलिस को देख के डर के मारे हार्ट अटैक आ गया। नहीं नहीं पुलिस तो हमको देख के निकल गई। हाँ? उसके बाद हम अपने घर पहुंचे, जब हाँ? वहाँ पे जो खाना बना हुआ था वो हमने खाया, उसमें बहुत तेल था, तो वो खाते हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो हमको हार्ट अटैक आ गया। तो तेल खाने से आया ना हार्ट अटैक। बहन के बुड्ढन, जब मैं पूछ रहा था तेरे से कि तेल की वजह से है, तो मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया ना तूने? अरे सारा शो तुम्हारा ही तो है, शुरू से लेके अंत तक दो लाइन हमने क्या चाहता, बोल दी हार्ट अटैक आ गया तुम। अच्छा ठीक है ठीक है, तो दूसरा हार्ट अटैक कैसे आया था बेटा? दूसरा हार्ट अटैक की तो पूछो मत। हमारी जो भैंस थी ना, उन दिनों की बात है जब उसको दूसरा बछड़ा हुआ, तो हम गर्म पानी की बाल्टी लेके जा रहे थे, तो जैसे ही हमने गर्म पानी की बाल्टी लेके हमने उसके आगे गए बेटा। बेटे हम सोए हुए थे, हमको नींद में आ गया बस। अच्छा ठीक है, जब तक खाना तैयार होता है मैं आपके घुटने दबा देता हूँ अंकल जी, आपकी सेवा तो कर दूं मैं। अंकल जी गला ही दबा दो, थोड़ी सेवा करा दीजिए। अरे बेटियों से हम सेवा करवाएंगे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, गला दबा दो गला। अंकल जी बहू है ना आपकी सेवा के लिए, आप एक काम कीजिए, आप अपने सारे गंदे कपड़े निकाल दीजिए, मैं धो देती हूँ। ये बात हुई ना, मैं निकाल के देता हूँ, बैठिए बैठिए। ये अंकल के कपड़े धोने, अंकल की सेवा करनी है हमने, अंकल की सेवा करनी है। ये लो भाई अंकल के कपड़े, ये लो ये लो। अंकल जी आपके कपड़े कहाँ हैं? ये तो लेडीज छोकरी के कपड़े हैं। छोकरी? अरे बेटा वो क्या है कि घर में कोई लेडीज तो है नहीं, तो ये कपड़े पहन के हम शीशे के आगे खड़े होते हैं, अपना मन बहला लेते हैं। छोकरी में छोकरी तैयार है। अरे वाह 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 अंकल की सेवा मैं करूंगा, मैं सेवा, खाना मैंने बनाया, मैं करूंगा सेवा। अरे हार्ट अटैक से आएगा। सांप, सांप, ये किसका सांप है भाई? अरे तो खाना था, वरना मैं इसे ही खा लेता। अरे लो तुम्हारा है क्या? अरे तुम्हारा जी जी बुड्ढा, मुझे लगता है ये बुड्ढा बड़ा पक्का है साला, ऐसे हार्ट अटैक नहीं आएगा इसको। इसको क्या करें, तेल तो बिखराया नहीं, छुरा दिखा, छुरा दिखा इसको। अरे छुरा दिखा, हार्ट अटैक बुड्ढा। खाना क्यों बेटा, दाढ़ी बाद में बनाना, पहले खाना खा लेते हैं। दाल में बाल गिर जाएंगे बेटे। ए बुड्ढे, हाँ मैं तेरे बाल नहीं काट रहा, तेरा गला काट रहा हूँ, चल अटैक ला, अटैक ला। अरे अटैक क्यों आएगा मुझे, अटैक बताओ है क्यों आएगा? तेरे को हार्ट अटैक आएगा तो तेरी दौलत हमारे पास आएगी ना, अभी तेरे को नेचुरली क्या पता कब आए, आए या ना आए, हमारे को तो किराया देना नहीं वहां पे। ए बुड्ढे मर रहा है तेरे को मारे। कौन सी दौलत जो आपका दास है? कौन सी जायदाद? जायदाद तेरी कौन सा? अरे वो तो सब बाढ़ में बह गया। तुमको क्या लगा कि हम यहाँ पे ट्रेन पे चढ़ के आए, हम तो पानी में बह के आए यहाँ तक। मालिक ऊंची दुकान फीका पकवान। एक मिनट। हाँ बुआ। हाँ लाइट बंद कर, मेहमान नवाजी करते आओ। अरे लाइट बंद। अरे बेटा बैठ। अरे क्या डाल मुंह पे, ये साले के जूते मारो इसके। जिंदगी में कभी खाया? अच्छा चार जूते पड़े, लेडीज बन गया, वाह। दादी की मुर्गी बना दी। मम्मी जी तुम यार दादी दादी जैसी है। एक मिनट, वो बुड्ढन कहाँ गया? बुड्ढन? अरे बेटा हम वो खाना तो खाओ ना, अभी खाना तो शुरू कर रहा हूँ। तेरी माँ का ब्रेक था, तू रुक था ले। मार इसको तेरी। रुक था ले, बुड्ढन था ले। पागल का बुड्ढा। माँ का ब्रेक हुआ। आजा। आओ। आओ।
हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये बैंड हमने अपने लिए नहीं मंगवाया, ये हमने उनके लिए मंगवाया जो हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले ना। कौन? रवि किशन और तुषार कपूर के लिए जोरदार तालियां। हजूरे वाला रवि भाई, तुषार भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में। जोरदार तालियां। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा भाई कि आप दोनों की फिल्म का नाम बड़ा मस्त है, बजाते रहो। हम वैसे ही बात कर रहे हैं गुरु। गुरु, हंसी के इस चमन में खुशियों के फूल सजाते रहो। आज आए हैं यहां रवि और तुषार, इनके लिए बैंड बाजा बजाते रहो। सब्र के दो दो फल होते हैं, ये तो पता ही नहीं। मिटू, मिटू। माय गॉड की कसम, इन दोनों से शादी करके तो मैं मर ही जाऊंगी। हेलो भाई, हाउ डू यू डू? रवि भाई, रवि भाई, बुआ की हेलो का जवाब नहीं देना। इसको हेलो का रिप्लाई कर दो ना, तो ये कोर्ट मैरिज के लिए रिप्लाई कर देती है ये। तेरे को पता है ये बैंड तेरे लिए नहीं है, इनके लिए मंगवाया था हमने। हाँ है, लड़कों के लिए भी बैंड मंगाने लगा। अब देखो ना, इस घर में एक कुंवारी नाजुक कमसिन एवर रेडी टू मैरी लड़की बैठी है। फिर भी लड़कों के लिए बैंड मंगा लिए। हाँ। कौन करेगा? रवि भाई, आप शादी करेंगे मेरी बुआ से? और तू चुप कर, मैं ही पूछ लेती हूँ। रवि शर्मा आ गया, शर्मा। मैं ना आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझसे शादी कर लो। देखो मैं बा। मेरी शादी हो चुकी है हाँ, लेकिन मैं आपका दिल नहीं तोड़ सकता। मैं अपनी भोजपुरी फिल्मों में आपको सास का रोल जरूर दिलवा। बिट्टू, कौन है ये आदमी? तुषार मुकर गई। तुषार ओए, मुझसे मेरा हाथ मांग लो। हाथ पीछे। क्यों नहीं, क्यों नहीं, लो दो हाथ अपना यहाँ रखो, पाए लगो बुआ जी। तुम लोग और मांग ले हाथ। तुम लोग एक कुंवारी लड़की की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो। तुम्हें पता नहीं है मुझसे शादी करके तुम्हें कितना फायदा होने वाला है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इनके साथ शादी करने का बहुत फायदा है। हाँ जी। तेरे को बड़े फायदे पता है मेरी बुआ के पे? अरे मालिक, मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा, मुझे तो इस घर के बारे में सारा पता है। और रवि भाई और तुषार भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, इनके साथ शादी करने का क्या फायदा? बीवी और सास दोनों को प्यार मिलेगा। एक के साथ एक फ्री, टू इन वन। ओए मर जाने यार, कसमा रुखाने यार, सारे फायदे बता देगा तो मैं शादी के बाद इन दोनों को क्या बताऊंगी। सुनो
रवि किशन जी, कैसा लगा मेरा हुस्न का जलवा? बुझा बुझा। आपको देखकर तो बस यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी झंड बहा फिर भी घमंड बहा। बिट्टू, अभी तक तूने मुझे बताया नहीं ये आदमी कौन है। विशाल, कैसी लगी ये कमसिन हसीना? खंडर बता रहा है कि इमारत बुलंद थी। बाप इतना लायक और बेटा इतना नलायक। तू कहाँ जा रहा है पीछे पीछे में? मैंने सोचा जख्म मैंने दिया है तो मरहम भी मैं ही लगाऊं। निकल ले, निकल ले गुरु। मरहम भी मैं ही लगाऊं। खबरदार इस घर में स्कूटर के स्टैंड के अलावा कुछ लगाया तो। मेहमान आए, जा जाके चाय नाश्ता लेके आ। मेहमान आए, चाय नाश्ता लेकर आऊं। मैं समझ गया, मतलब वापस मैं ना आऊं। रवि भाई, तुषार भाई, आप प्लीज मेरी फैमिली का बुरा मत मानना। मेरी बुआ वैसे जैसे मर्जी हो लेकिन दिल की बड़ी गंदी है। आप दोनों रुके। चाचा, टोको, इससे टोको। पहले कि मेरे मुंह से बजाते रहो, निकल जाए और आप बजाना शुरू कर दे। धन्यवाद आपका आने के लिए। इनके लिए जोरदार तालियां। शुक्रिया। आप बजाते हुए जाओ जरा एक बार। टोको, टोको। प्लीज हमारे घर में आए हैं तो कुछ चाय पानी वगैरह तो हम पूछने वाले हैं नहीं। दूध ही नहीं होता। तो तुषार भाई, रवि जी, आपके बहुत सारे फैंस यहाँ पे बैठे हैं जो आपसे लाइव सवाल पूछना चाहते हैं। तो जी, और आप में से काफी लोग जी। वाह भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर महेंद्र नाम है मेरा। महेंद्र जी, तो इतना अकड़ने की जरूरत क्या है? जी महेंद्र। सर रवि सर, मैं आपका भोजपुरी फिल्में बहुत देखता हूँ और सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। रवि सर, मैंने आपको बहुत सारे आइटम सॉन्ग करते हुए देखा है और एक सेकंड, आइटम सॉन्ग नहीं, वो हीरो आप। अबे तूने उनको चड्डी में कब देखा? ये रवि किशन है, आप कहीं संभावना सेठ तो नहीं समझ बैठे? जी सर, मैंने एक आइटम सॉन्ग लिखा है तो मैं सोचता हूँ कि आप उस पर परफॉर्म करें सर। आओ प्रभु आओ। हम भी आए सर, हम भी आए सर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आइए। इतना अच्छा टॉप पहना, पैसे वसूल करो पूरे, आप आइए। हाँ जी, तुहर गोरे गोरे गाल तुहर होठ। और कोई दोस्त जी? रवि जी नमस्कार, तुषार जी नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम सुखवंत है जी। मैं तुषार जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अभी आपके पापा की फिल्म हिम्मत वाला का रीमेक बना था, क्या आपको बहुत खराब लगा कि आपको उसमें नहीं लिया गया? वो ये तो सोच रहे शुक्र में बच गया। अगर मुझसे पूछा जाए कि डैड की कौन सी फिल्म का रीमेक मैं करना चाहूंगा तो वो होगा फर्ज। वो मेरा फर्ज बनता है। हिम्मत वाला मतलब मेरी फेवरेट फिल्मों में से तो है, लेकिन आई थिंक अजय देवगन सूटेड द फिल्म वेरी वेल, क्योंकि वो एक्शन हीरो की इमेज है उनकी, तो डेफिनेटली आई थिंक अजय वॉज द राइट चॉइस। और तुषार जी का कहना है कि फर्ज का वो रीमेक है उसमें काम करना चाहेंगे जो पापा की फिल्म है, तो फर्ज में क्यों? फर्ज में पापा ने ठीक नहीं किया काम? जी हाउ स्वीट। थैंक यू। हेलो तुषार सर, हेलो रवि सर।
मेरा नाम राष्ट्रीय, मैं एमपी से हूँ। तो रवि सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप एक देसी लड़के हो फिर भी आप हॉट हो। क्या क्या हॉट, उनकी कहीं से कमीज जली हुई देख ली आपने? मैंने पहले भी एक दो बार देखा, जुड़ा करके आती लड़की, आज आए रवि किशन तो यूं करके आए। काफी हॉट है। नहीं सर। क्या चाहती हो? सर डांस करना चाहती हूँ। आओ, आओ। अच्छा गाना मैं गाऊंगा। जुनून ऑर्केस्ट्रा पुतली इस्लामाबाद पेश करते हैं। तू लगा ही ले लाली पीसी। रवि जी, जब आप उनसे नाच रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था बुलेट मोटरसाइकिल के ये सैंडल के ऊपर रुमाल बंधा हुआ है। अरे पागल शो है ये, पूरा पागलपन है ये, शो नहीं ये पागलपन है। नहीं, खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। अभी जब घर जाएगी ना बिटिया, पापा पूछेंगे कि रवि किशन बैठे रहे तो कहां टुकड़ टुकड़ ताकत रही हो। खबरदारी का बात, कॉमेडी नाइट में गई तो कनवा पकड़ के मरोड़ दे तोरा। बिच्छू क्या हुआ, आज मेहमान नहीं आए? नहीं, ये तो प्लम्बर है। मेहमान है ही नहीं। रवि तुषार, ये हमारे मेहमान थोड़ी ना है। ये तो छोले बेचने आए हैं। अरे ये तो हमारे घर के बच्चे हैं। कैसे हो रवि? तुषार बैठो। जीतू जी कैसे हैं? ठीक है, अरे बैठो बैठो। वो भी क्या जमाना था। क्या जमाना था, बैडमिंटन खेलने आते थे मेरे साथ। और बंटे भी खेलते थे, बंटे। ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो, जाने ही नहीं देते थे। तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जानती नहीं हूँ, इसकी भाषा को भी मैं समझती हूँ। गोलमाल में इसने क्या कहा है ना, वो मैं ही जानती हूँ, और कोई नहीं समझेगा। हाँ, आपको पता करना है, पता करना है। ठीक है, अभी देखो इसी की भाषा में इसको बोल के बताऊंगी। हाँ, फिर ये खुद समझ जाएगा। ओके तुषार, ओके देखो आप। बोलो, मैंने क्या बोला तुम्हें? आओ ओ ओ ए आ ले ये वाला थोड़ा ऊपर से गया। बिट्टू इसका क्या मतलब था पूछो ना। ये कह रहे थे बुढ़िया तेरी गर्दन पे मुक्का मारूंगा। तुषार, जब तुम्हारे पापा मेरे साथ बैडमिंटन खेलने आते थे ना बंटे, तुम इत्तू से थे, आते थे वहां, जब भी तुम नहीं बोल पाते थे, आज भी नहीं बोल पाते हो। चलिए इंटरव्यू आगे बढ़ाते हैं। आइए सर, ये क्या कर रही हैं आप, बदतमीजी फैला रही हैं आप, हटिए यहाँ से, इंटरव्यू चल रही है यहाँ पे। इंटरव्यू क्या चल रही है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप बीच में डिस्टर्ब मत करिए, मैं इनसे बात कर रही हूँ। मेरे पास ना आपके लिए एक फिल्म की स्टोरी है। हाँ।
भोजपुरी फिल्म की स्टोरी है एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम फ्रेश. उसके अंदर आप हीरो हैं और मैं ना एक ऐसी हीरोइन लाई हूं जो ऐश्वर्या राय से भी ज्यादा खूबसूरत है, यानी कि मैं. और ना उस हीरोइन पे ना गांव के सारे लड़के मरते हैं, यानी कि मुझ पर. और वो जो हीरोइन है ना वो हीरो मरती है, यानी कि आप पर, यानी कि मैं. कॉम्प्लीमेंट कर, देखी तूने अपनी? रज़ाक खान तेरे से ज्यादा खूबसूरत है. बीच में टोकने की जरूरत नहीं है, समझे? ऊपर वाला होठ है ही नहीं. ऊपर वाला होठ उठा के देखा, नीचे बड़े बड़े दांत भी हैं, समझे? फालतू बात कर रहे हैं. मेरी खूबसूरती से जलता है ये, पता क्यों? ऊपर वाला, ऊपर वाला होठ. अरे भगवान, ये हद है. ऊपर अरे नहीं है और यार ऊपर. इसकी बीवी कह रहा है टायर जितने होंठ तो इसके उसमें में होंठ लगते ही नहीं है. अरे तेरे तो ऐसे होंठ है मुर्गी से अंडा चूस ले. फिल्म में ऐसी हीरोइन हो ना, हाँ, क्रेडिट चलते ना पहले क्रेडिट सीन पे गोली मरवा दे इसको. एक मिनट, मैं यहां से चली जाऊंगी, जरूर चली जाऊंगी, लेकिन मेरे पहले या तो एक कटोरी चीनी दे दो या फिर मेरी फिल्म की कहानी सुन लो. बोलो क्या करना है? अगर कटोरी चीनी दे दो चली जाओगी? हाँ. नहीं तो स्टोरी सुनाओगी? हाँ. तो ठीक है, स्टोरी सुनाओ. तुम्हें स्टोरी सुनानी है? स्टोरी मैं पूरी करूंगा, ठीक है? ठीक है, करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं पीछा छोड़ेगी ये. तुम हीरोइन हो? पता ही है मुझे. रवि हीरो है और ये विलेन है. हाँ, ओके. और जो हीरोइन है वो विलेन पे मरती है. अरे ऐसे कैसे हीरोइन विलेन पे मरती थोड़ी होता कोई. हाँ. हीरोइन तो हीरो पे मरेगी ना. देखो तुषार, मैं बहुत क्रिएटिव आदमी हूँ, पूरा देश जानता है. मेरी कहानी में, खासकर भोजपुरी में, हीरोइन विलन पे मरती. मेरी भी बोलती बंद नहीं है गोलमाल की तरह, हीरो पे मरेगी. तुषार विलन पे मरेगी, हीरो पे मरेगी. मैं बोल रहा हूँ विलन पे मरेगी, विलन पे मरेगी, विलन पे. ऐसे 10-15 बार और करो, मार दो इसको. नहीं, तुम बात की ग्रेविटी नहीं समझ रहे. बात की ग्रेविटी नहीं समझ रही हो. दिल करता गरम गरम ग्रेवी मारूं इसके मुंह के ऊपर. ग्रेविटी. देखो स्टोरी आगे बढ़ाते हैं. हाँ. विलन जो है, विलन वो अकेले में, ओके, हीरोइन को पकड़ लेता है. विलन तुषार, हाँ, मुझे पकड़ लेता है. हाँ, ओके. हाय विलन ने मुझे पकड़ लिया. ए, 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 ए ससुर का नाती, हम कहाँ पकड़े हैं? ई हम कहाँ पकड़ी है? और फिर हीरो आके हीरोइन को बचाता है. ये नागपास. अरे अरे हमको बचा लिया हीरो ने, हमको बचाओ. हीरोइन हीरो के पास जाती है. हीरो ने ऑलरेडी सुसाइड कर लिया हुआ है. देखो मैं हीरो का पहले थैंक यू तो कर दूं, मेरे को बचाया उन्होंने विलेन से. वो मर चुका हुआ ना. मैं भी तो थैंक यू कर रहा हूं. और हीरो सर्वा जहर खा के मर गया. चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. अगर हीरो मर गया तो इसका मतलब ये तो आदमी जलेबी ना खाए तो उसको नमकीन भी कुछ छोड़ दे भुजिया. विलेन से भी काम चला लूंगी मैं. पुलिस का गोली, पुलिस का गोली, पुलिस का गोली, सीधा हमारा भेजा माला गिल. लेकिन भेजा तो इधर होइल. अभी गोली लगी, अभी कैसे मालूम पड़ेगा कहाँ लगी है? हीरो भी मर गई, विलेन भी मर गई. आगे भी सीन है. हाँ चल रहा है वो. उसके बाद अभी ना ऐश्वर्या राय जैसी ये जवानी है जो मेरी वेस्ट हो गई. खूबसूरती का क्या करी अब हम. ऐश्वर्या ऐश्वर्या राय देख लो, इतना पसीना राजा मुराद को नहीं आता जितना इसको आ रहा है. इसके आगे सीन ये है, सीन ये है, हीरो मर गया, विलन मर गया. हाँ. हीरोइन घर जाती है. ओके. वो भी जहर खा के मर जाती है. हाँ ये कैसी स्टोरी है. ठीक है मैं ऐसा मरूंगी, ऐसा मरूंगी कि मरने में जान डाल दूंगी मैं. यही बचने का तरीका.
रवि भाई के लिए और तुषार भाई के लिए जोरदार तालियां।